Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at LearnoHub.com. तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर की जो कि है बायो मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड गिव एग्जांपल्स। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैक्रो कुछ बिग, माइक्रो स्मॉल। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्ज साइज्ड compounds which have high molecular weight. We are talking about weight in molecules, right? The high molecular weight, and they are poorly soluble in water, and they are formed by condensation of micromolecules by dehydration synthesis. So what are these molecules? Can you name some example? Can you name some macromolecules? So these are proteins, polysaccharides, and nucleic acids. Question number 2, illustrate a glycosidic, a peptide and a phosphodiester bond. So what is a glycosidic bond? So if we see this this structure, right? So there are two glucose molecules. As you can see, these are the monosaccharides. So this is a monosaccharide, this is a monosaccharide. Only one sugar, right? And when we take them 2s together, we will call it as what? A disaccharide. So ye kya hai? Ye hai monosaccharide. राइट सो ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के जब कार्बन वन की हम बात करें, जब कार्बन वन एटम ऑफ वन मोनोसेक्राइड और कार्बन फोर ऑफ द सेकेंड मोनोसेक्राइड जब ये दोनों आपस में बॉन्ड करते हैं, तो अगर हम नेमिंग अब स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मिनिमम वाले से स्टार्ट करते हैं। तो वी विल कॉल इट एज कार्बन वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, 4 and 5, and this will be the 6th one, right? There are 6 carbon molecules in a glucose. Now, यहाँ पर अगर हम start करते हैं, तो again हम यहीं से start करेंगे. So, this is 4, this is 5th and this is 6th. तो जब एक glucose molecule का carbon 1 और दूसरे glucose molecule का carbon 4 आपस में bond करते हैं, तो उस bond को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब जब ये बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के टाइम पर, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एक H, ठीक है, यहाँ पर भी हम रख लेते हैं एक H, राइट? तो एक O है, एक H है, एक ऊपर को OH होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, पहले OH होगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पर H और H तो रहा, है ना, लेकिन यहाँ पर इस इन दोनों को आपस में बॉन्ड करने के लिए ये H और ये OH जो है वो एज अ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए, और ये जो O है ये यहाँ पर आके इन्होंने आपस में क्या कर लिया, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया। क्लियर? देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। टॉकिंग अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये वो बॉन्ड होता है जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वो कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि बनता है एक कार्बोक्साइल ग्रुप, एक अमीनो एसिड के कार्बोक्साइल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप के साथ, राइट? तो देखते हैं, जैसे ये एक हमारा अमाइनो एसिड है, तो इस अमाइनो एसिड में क्या है, एक कार्बोक्साइल ग्रुप है COOH, राइट? ये हमारा सेकेंड अमाइनो एसिड है जिसके पास COOH तो है ही, लेकिन एक तरफ क्या है, NH2, राइट? तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, ये हुआ कार्बोक्साइल ग्रुप, और ये वाला कौन सा ग्रुप हुआ, ये हुआ अमाइनो ग्रुप, राइट? तो ये कार्बोक्साइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, ये दोनों अमाइनो एसिड्स आपस में एक साथ में मिलकर इलेक्ट्रॉन्स की, आयंस की शेयरिंग करते हैं।
तो क्या होगा कि जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यहां से ये जो यहां से OH और यहां से H जो है वो निकल जाएगा एंड इट विल गिव अवे व्हाट अ वाटर मॉलिक्यूल, और कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे म्यूचुअल शेयरिंग के साथ. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, राइट. जो दो अमाइनो एसिड आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनाते हैं बिटवीन द कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो इफ यू टॉक अबाउट अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप एंड द शुगर. सो बेसिकली देयर आर टू शुगर्स दैट आर जॉइंड विद अ फॉस्फेट ग्रुप एंड दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, दिस बॉन्ड इज called as phosphodiester bonds, right. So as you can see, what is it? This is one sugar molecule, right, and what is it? This is another sugar molecule. So this is say sugar 1, this is sugar 2, and now these are the bases, right. So can you recall what we are talking about? We are talking about a DNA molecule, right, a nucleic acid, or we can say. So these are the sugar molecules, sugar 1, sugar 2, and between them is a phosphate group. So this phosphate group is joined to these sugar molecules, and together this is called as what? This is called as a phosphodiester bond. Right, so this is a phosphodiester bond. The bond formed between the phosphate group and the pentose sugar molecule in a nucleotide. तो जब हम nucleotide पढ़ते हैं तो वहीं पर हम पढ़ते हैं कि कैसे वो एक sugar की backbone बनती है. Phosphate group होता है, sugar होता है, फिर से phosphate होता है, फिर से sugar होता है, and this way it the strand जो है ना वो continue होता जाता है. So that strand, what is the bond that is present in that strand? वो होता है phosphodiester bond. Clear? Coming on to the question number 3, what is meant by tertiary structure of protein? तो tertiary structure protein का क्या होता है? तो हमने चार तरह के protein के structures पढ़े हैं, primary, secondary, tertiary and quaternary. तो इसमें जो tertiary structure होता है ना वो किससे बनता है? वो secondary से बनता है. Secondary किससे बनता है? Primary से बनता है. तो primary structure basically polynucleotide की chain होती है, ठीक है. तो वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर. जब इसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग आ जाती है हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर. और जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कॉइलिंग होती है, फोल्डिंग होती है, तो वो बना देता है टर्शरी स्ट्रक्चर. और ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ये एक थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है. मतलब ये 3D स्ट्रक्चर है और ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड्स विच आर फोल्डेड टू प्रोड्यूस अ हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर. तो ये क्या होता है? ये पॉलीपेप्टाइड से ही बनता है और ये हॉलो होता है, फोल्डेड होता है, हॉलो होता है और एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर. वही बात है, ग्लोबुलर, ग्लोब लाइक. तो ग्लोब भी कैसा हम देखते हैं? गोल ही होता है. तो वैसे ही ये जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये हमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. अब इसमें चार तरह के बॉन्ड्स देखे गए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. तो बेसिकली ये कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स की इंटरेक्शन जो है ये इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है. अब आने चाहिए कुछ एग्जाम्पल्स. तो कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स भी क्या होते हैं? प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है. सो ये जो एंजाइम्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना दैट इज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, विच मीन्स दे हैव टर्शरी स्ट्रक्चर. मायोग्लोबिन ऑफ मसल्स, दे हैव टर्शरी स्ट्रक्चर. देन ग्लोबिन्स ऑफ प्लाज्मा हैव टर्शरी स्ट्रक्चर. So question number 4, find and write down the structures of 10 interesting small molecular weight biomolecules. So find if there is any industry which manufactures the compounds by isolation. Find out who are the buyers. तो हमें कुछ 10 interesting small molecular weight biomolecules के structures बताने हैं. तो ये जो small molecular weight बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, राइट. अब ये जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो पहले इन्हीं के नाम को हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हैं
ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो एक माइक्रोमोलिक्यूल है जो एक चीफ रेस्पिरेटरी फ्यूल है हमारी बॉडी में, और 60% एनर्जी देता है ह्यूमंस को. सिक्स कार्बन कंपाउंड्स, सिक्स कार्बन, ठीक है. सो इट इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड. सो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, फोर, फाइव, एंड दिस इज द सिक्स्थ कार्बन. तो ऐसे ही ऐसा कुछ ये दिखाई देता है, एक वो बेंजीन का स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते थे कुछ वैसा होता है. और दिस इज कैपिटल, राइट. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कार्बन कहीं पर लिखते हैं तो मेक श्योर कि ये चार बॉन्ड्स बनाए, राइट. ऐसा ना हो कि तीन बॉन्ड्स में ही खत्म हो जाए, तो इसके चार बॉन्ड्स होने चाहिए. तो अगर हम इस कार्बन को देखें तो देर आर फोर बॉन्ड्स, राइट. वैसे ही आप किसी भी कार्बन को देख लो, देर आर फोर, इट दिस कार्बन इज शेयरिंग फोर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर अदर से एलिमेंट्स. ओके, देन कमिंग ऑन टू द सेकेंड, द सेकेंड वन इज राइबोज. जो सेकेंड हमारा माइक्रोमोलिक्यूल है वो है राइबोज. राइबोज एक कॉम्पोनेंट है राइबोसाइड्स का डीएनए में, और वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, वो एक पेंटोस रिंग जैसा है. सो देर आर हाउ मेनी कार्बन्स, देर आर फाइव कार्बन्स इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, राइट. तो आप ऐसा कुछ पेंटोस जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे इसका, राइट. अब देखते हैं थर्ड कौन सा है. थर्ड है टायरोसिन. टायरोसिन जो है वो थायरोक्सिन में मेलानिन और एड्रेनलिन हॉर्मोन्स की फॉर्मेशन में यूज होता है, ठीक है. फाइनली वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन खरीदता है, कौन मैन्युफैक्चरर है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी जस्ट हम नाम और स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, और स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखने हैं, स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए. हो सकता है एग्जाम में 10 नहीं लेकिन 2 पूछ लिए जाए, बट 2 भी आपको स्ट्रक्चर्स एकदम सही बनाने हैं. सो अगेन व्हाट इज देयर, देयर इज अ बेंजीन रिंग, यहाँ पर OH से अटैच्ड है और यहाँ पर CH2 है. और फर्दर इसमें 2 ग्रुप्स और देखे गए हैं, अमीन और कार्बोक्साइल ग्रुप. सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, जो जैसा है आपको वैसा ही बनाना है. नाउ द फोर्थ इज ग्लाइसिन. ग्लाइसिन इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीम ग्रुप, राइट. तो ग्लाइसिन कैसा दिखाई देता है, ग्लाइसिन कुछ ऐसा दिखाई देता है. इसमें भी क्या है, एक अमाइनो ग्रुप है, ठीक है. देर इज वन अमाइनो ग्रुप एंड देर इज वन कार्बोक्साइल ग्रुप, राइट. एंड देयर इज अ कार्बन इन द सेंटर, एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्साइल ग्रुप है, और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच्ड है. फिफ्थ इज थायमीन. सो थायमीन क्या है, एक कॉम्पोनेंट है डिऑक्सी थायमेडाइलिक एसिड का ऑफ डीएनए, और वो कैसा दिखता है, एक बेंजीन रिंग है जिसमें 2 तरफ तो ऑक्सीजन से ये 2 कार्बन जो है उनके साथ ऑक्सीजन पेयर कर रहा है, और एक इसमें है अमाइनो ग्रुप, ये दूसरा अमाइनो ग्रुप है, और एक तरफ है यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, राइट. तो स्ट्रक्चर याद रखना है. नेक्स्ट कम्स एडिनिन. एडिनिन कहाँ पर पड़ा है, एडिनिन इज अ नाइट्रोजनस बेस जो डीएनए में होता है और आरएनए में भी होता है. तो इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ बोथ आरएनए एंड डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स. नाउ इट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स. जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एफएडीज होते हैं, एनएडीज होते हैं, इन सब का भी कॉम्पोनेंट क्या होता है, एडिनिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट. तो इसका कॉम्पोनेंट भी क्या है, एडिनिन. तो ये कैसा दिखता है, मैंने ये होता है एक प्यूरीन, और जो प्यूरीन होता है उसमें ऐसे 2 रिंग्स होते हैं, एक तो बेंजीन रिंग होता है जिसके एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, और एक ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप्स हैं, राइट. तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से एज इट इज हमें बनाना है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड. ट्राइग्लिसराइड जो है इट एक्ट्स एज अ कॉन्सेंट्रेटेड रेस्पिरेटरी फ्यूल एज प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन. ये एक कॉन्सेंट्रेटेड रेस्पिरेटरी फ्यूल है जो कि ग्लूकोज से भी ज़्यादा एनर्जी देता है जब ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो ये कैसा दिखता है, एक तो यहाँ पर 3 कार्बन है, ठीक है, तीनों कार्बन के साथ कोई ना कोई मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और क्या अटैच्ड है, साथ में अटैच है कार्बोक्साइल ग्रुप, और इस कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ 3 जो है कौन से इथाइल मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, राइट. तो आई होप दिस इज क्लियर, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसराइड्स बहुत ही सिंपल है अगर आप ध्यान से देखोगे तो. देन नेक्स्ट कम्स द कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल क्या है, प्रिकर्सर है स्टेरॉयड हॉर्मोन्स का, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन्स का, एंड इट पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेडुलरी शीथ,
राइट right? और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या करता है, कैसा दिखता है, सॉरी जो कोलेस्ट्रॉल है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आपको तीन तो बेंजीन रिंग बनाने हैं और एक फाइव कार्बन मेंबर्ड रिंग बनाना है, और साथ में आपको काउंट करके ये मिथाइल ग्रुप्स लगाने हैं। राइट तो सिंपल है, बस देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप है, और साथ में अब यहाँ पर आपको मिथाइल ग्रुप्स लगाने हैं बिल्कुल नंबर को काउंट करके। नेक्स्ट है बी वैक्स। बी वैक्स जो है वो इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वैक्स पॉलिशेस एंड कैंडल्स। राइट तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, बीच में कार्बोक्साइल ग्रुप आप देख रहे हो और साइड्स पे ना बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। CH2 कितने हैं और CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप्स बहुत सारे इसके साथ अटैच्ड होते हैं, तो आपको एग्जैक्टली नंबर याद होना चाहिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए। नाउ कम्स द 10th से माइक्रो मॉलिक्यूल, दैट इज अ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ मेडुलरी शीथ ऑफ नर्व फाइबर। जो न्यूरॉन में मेडुलरी शीथ पड़ते हैं ना उसका कॉम्पोनेंट होता है फॉस्फोलिपिड, और वो कैसा दिखाई देता है, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये ट्राइग्लिसराइड वाला याद करो, ऐसा ही था ना कि ऐसे तीन जो मिथाइल ग्रुप्स थे और उनके साथ कुछ कुछ अटैच्ड था, तो सेम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो देयर इज दिस कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच्ड, फिर मिथाइल ग्रुप है, फिर से कार्बोक्साइल है, फिर से मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन के साथ क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज सिफैलिन, ठीक है। और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप के साथ अमाइनो ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, राइट। तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखे, जरूरी नहीं है कि आपको यही 10 बनाने हैं या याद करने हैं, आप कोई सा भी स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के आप बना सकते हो अगर ये क्वेश्चन आता है, लेकिन जितने भी स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिए गए हैं वो आपको जरूर आने चाहिए। Now, coming on to the last two parts of the question, that is, find if there is any industry which manufactures the compounds for by isolation. So, are there any companies जो इन compounds को manufacture करती है, isolate करके, तो yes करते हैं, researchers करते हैं, laboratories करती हैं, flavor drinks वाली companies करती हैं, biotech companies करती हैं, वहीं पर कोई buyers हैं क्या इनके, मतलब बंद तो ये चीज़ें रही हैं, isolate तो ये हो रही हैं, क्या इनको कोई खरीद भी है, तो ऑफ कोर्स खरीदते हैं, इनको कुछ रिसर्च लेबोरेटरीज खरीदती हैं, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं जहां पर इनके इनको यूज करके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, इनको स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन्स हैव प्राइमरी स्ट्रक्चर, इफ यू आर गिवन अ मेथड टू नो व्हाट और सॉरी व्हिच अमीनो एसिड इज एट either of the two termini or the ends of a protein, can you connect this information to purity और होमोजेनिटी ऑफ अ प्रोटीन। तो होता क्या है कि प्रोटीन में हमने चार तरह के स्ट्रक्चर्स देखे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, राइट। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होता है वो बड़ा ही सिंपल होता है, उसमें क्या होता है कि ऐसे एक लीनियर फॉर्म में अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, राइट। तो इसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना प्रोटीन का, वो एक अमाइनो एसिड के एक लीनियर चेन होती है, ठीक है। अब इस लीनियर चेन से क्या हम पता लगा सकते हैं कि कौन से अमाइनो एसिड्स टर्मिनल्स पर है, कौन सा जो मतलब जो चेन है उससे क्या हम इस सीक्वेंस को जान के क्या हम प्योरिटी या होमोजेनिटी की बात कर सकते हैं किसी भी प्रोटीन की, तो आंसर इज येस। अब होता क्या है कि अगर हमें कोई ऐसा मेथड दे दिया जाए, तो वैसे ही एक एडमिन ने एक मेथड दिया था, केमिकल मेथड, जिसे उसने बोला एडमिन डिग्रेडेशन। तो ये जो मेथड था इसको यूज करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सीक्वेंस का पता लगाया, प्रोटीन के सीक्वेंस का पता लगाया और टर्मिनल्स का मतलब प्रोटीन में जो टर्मिनल अमाइनो एसिड्स हैं उनका पता लगाया। तो क्या हुआ कि जैसे ये प्रोटीन है उन्होंने इसको लेबल किया, ठीक है, और इसको यहाँ से रिमूव कर दिया और बाकी जो चेन थी वो एज इट इज इंटैक्ट ही रही। अब इससे क्या होता है कि मान लो
कि अब हमारे पास है एक हीमोग्लोबिन, राइट। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिस जो कि बहुत सारे अमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इसमें, तो इसमें जनरली क्या देखा गया है कि जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है ना, जनरली नहीं बट ऐसा होता है कि वो जो सीक्वेंस है ना वो एकदम फिक्स्ड रहता है, ठीक है, एकदम प्योर होता है, हर किसी में वही होता है। लेकिन किसी किसी के केस में ना ये जो सीक्वेंस होता है ना ये बदल जाता है। तो बीटा चेन क्या होता है, बीटा चेन सिक्स्थ पोजीशन पर जो अमाइनो एसिड है ना वो बदल जाता है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है ना वो बदल जाता है, ठीक है। इट चेंजेस, इट बिकम्स, इट चेंजेस टू सम एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, राइट। और इसकी वजह से जो जो शेप है, सॉरी, जो डिजीज है, दैट इज सिकल सेल अनीमिया देखी गई है, ठीक है। तो आरबीसी की वो सिकल सेल्ड शेप हो जाती है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि एक अमाइनो एसिड जो था ना वो गलत आ गया था उस चेन में, तो उसकी वजह से ही पूरा का पूरा जो है वो सीक्वेंस जो है वो खराब हो गया, और हीमोग्लोबिन में जो सेल्स हैं बेसिकली जो आरबीसीज हैं उनकी शेप भी बदल गई और उससे एक डिजीज हो गई, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सो दिस शोज हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस प्योरिटी इन केस ऑफ प्रोटीन्स, बिकॉज प्रोटीन्स दे परफॉर्म सम फंक्शन। अगर वो अपना फंक्शन ठीक से कर रहे हैं तो मतलब एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल, अगर बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही है तो एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट अगर कहीं पर भी बॉडी एबनॉर्मली काम करने लग जाती है तो उससे हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रोटीन के सीक्वेंस में ना कोई गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से जो फंक्शन है ना वो नॉर्मल नहीं हो रहे हैं बॉडी के, राइट। Coming on to question number 6, find out and make a list of proteins used as therapeutic agents. Find other applications of proteins, example in cosmetics. तो पहले तो हमें therapeutic uses बताने हैं। सबसे पहले हम वो proteins लिखेंगे। सबसे पहले हैं antibodies. Antibodies में जैसे gamma globulins हैं, ये यूज़ किए जाते हैं स्नेक बाइट की ट्रीटमेंट में और टेटनेस की ट्रीटमेंट में। वैसे ही ह्यूमन एल्ब्यूमिन है जो जिसको यूज़ किया जाता है लिवर सिरोसिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। लिवर सिरोसिस मतलब जब लिवर के फेलियर के चांसेस होते हैं, देर इज सम डैमेज टू द लिवर, राइट। तो उसकी ट्रीटमेंट में ह्यूमन एल्ब्यूमिन को यूज़ किया जाता है। देन कमिंग ऑन टू अनदर प्रोटीन, थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, राइट। सो दीज आर द प्रोटीन्स विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। देन कम्स द पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन्स। तो पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन्स जो है दे आर यूज टू ट्रीट द हॉर्मोन डेफिशिएंसी डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल ड्वार्फिज्म। तो किसी में ग्रोथ हॉर्मोन कम हो तो प्रोड्यूस होता हो तो वो इंसान की हाइट नहीं अच्छे से बढ़ेगी, वो अच्छे से उसकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी, राइट। तो उसके लिए पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द अदर यूजेस, फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स में क्या होते हैं, कॉस्मेटिक में जैसे कि एग का प्रोटीन है उसको यूज़ किया जाता है स्किन को टाइट करने में। वैसे ही केराटोलिटिक प्रोटीन है जिसे स्किन को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं पर अगर हम एक और प्रोटीन की बात करते हैं जैसे कि ग्लूटा प्रोटीन, तो ग्लूटा प्रोटीन जैसे कि ग्लू, ठीक है, GLU, सो GLU स्टैंड फॉर ग्लूकोज, राइट। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन सेल्स, तो ग्लूटा प्रोटीन जो है वो सेल्स में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर है। आपको ऐसे बहुत सारे अदर एप्लीकेशंस में मिल जाएंगे प्रोटीन्स के, मैंने तो जस्ट 3 लिखे हैं। आप और अगर आपको कुछ और पता है आप वो भी लिख सकते हो, एंड इन द सेम वे यू माइट गेट सम अदर लिस्ट ऑफ प्रोटीन, सम अदर प्रोटीन्स यू माइट नो, तो यू कैन ऐड ऑल दोज टू दिस लिस्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो हमें बताने कि ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, किस किस से बना होता है।
तो सबसे पहली बात, ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसमें होता है एक ग्लिसरोल मॉलिक्यूल। वो कैसा दिखता है? वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट? जब भी आप कोई ऐसे चेन बनाते हैं, कार्बन चेन बनती है, तो आपको हमेशा उसमें चेक करना है कि जो कार्बन है ना, उसके चार बॉन्ड्स बन रहे हैं या नहीं। अगर बन रहे हैं तो वो आपने ठीक बनाया है। तो ऐसी कुछ चेन, ये होता है ग्लिसरोल का मॉलिक्यूल, ठीक है? तो एक ट्राइग्लिसराइड में ये है ग्लिसरोल का मॉलिक्यूल, जिसमें हर एक OH ग्रुप पे, जैसे इसका ये OH ग्रुप है, राइट? मैं इसको इस तरफ भी लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पर हर एक OH ग्रुप पे ये जुड़ा हुआ है एक एस्टर बॉन्ड से, ठीक है? और दिस इज द एस्टर बॉन्ड। वहीं पर अगर हम कार्बन वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो इसमें भी देखें तो यहाँ पर भी ओ एच था, तो एच को इसने रिप्लेस कर दिया। फिर यहाँ भी ओ एच था, तो यहाँ पर एच को इसने रिप्लेस कर दिया, राइट? तो देर आर थ्री फैटी एसिड्स दैट आर जॉइंड टू दिस ग्लिसरोल मॉलिक्यूल एट ओ एच ग्रुप एंड मेकिंग Which type of a bond? Ester bond, ठीक है? कौन सा bond बन रहा है? Ester bond बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गए? तीन fatty acids आ गए। So now one fatty acid is attached at each OH group by ester bond formed between a hydroxyl group of glycerol, that is OH group of glycerol and carboxyl group of what? दूसरे में कौन सा group है? Fatty acid का कौन सा group आ रहा है? फैटी एसिड की तरफ से आ रहा है कार्बोक्साइल ग्रुप। और वहीं पर जो ग्लिसरोल मॉलिक्यूल है, ग्लिसरोल मॉलिक्यूल में वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ आके मिल रहा है, राइट? तो इन टर्न व्हाट इज गेटिंग रिलीज? तो यहाँ पर देखो, ओ बचा था और दूसरी तरफ सी ओ ओ ही बचा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो रही है। तो मतलब कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर भी हुआ, यहाँ से भी हुआ और यहाँ से भी हुआ। तो कुछ प्योर ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जैसे ट्राइपार्मिटिन। फिर कुछ मिक्स्ड हैं, जैसे पार्मिटोओलियोस्टेरीन, राइट? तो ये है कॉम्पोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। बहुत ही सिंपल है, ग्लिसरोल है और ग्लिसरोल में OH ग्रुप पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर आके फैटी एसिड मिल जा रहा है। तो OH से H चला जा रहा है और फैटी एसिड के कार्बोक्साइल ग्रुप से क्या जा रहा है? OH जा रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन हो रही है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो रही है, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Question number 8, can you describe what happens when milk is converted into curd or yogurt from your understanding of proteins? तो हमने milk को curd में कैसे change होता है, ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, right? तो इसमें एक bacteria responsible होता है और हम जल्दी से उसका नाम लिख देंगे, that is lactobacillus। तो ये जो bacteria है ये convert करता है milk को curd में। अब मिल्क में एक प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है? केजिन प्रोटीन होता है। तो ये जो मिल्क प्रोटीन होता है ना, फर्मेंटेशन के टाइम ये डीनेचर हो जाता है, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये एक्चुअली ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, वो बॉल शेप्ड ग्लोब शेप्ड प्रोटीन्स होते हैं जो फाइब्रस प्रोटीन्स में चेंज हो जाते हैं। और इसमें जितने भी प्रोटीन्स के सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारे के सारे ब्रेक होके इसमें क्या बन जाते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। और यहां पर होने लगती है कर्डलिंग ऑफ व्हाट? कर्डलिंग ऑफ मिल्क, राइट? तो इस चेंज को, इस चेंज, दिस चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड और योगर्ट, राइट? तो ये जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, इसकी वजह से प्रोटीन जो मिल्क है उसमें कर्डलिंग होने लगती है और कर्ड बनता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक इस चैप्टर के डिस्कस किए हैं वो आपको हुए होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो स्ट्रक्चर्स को बहुत ही अच्छे से बनाएं, स्ट्रक्चर्स को ध्यान से पढ़ें, और ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपको दो भी स्ट्रक्चर्स बनाने आ जाते हैं एंड यू मेक देम कम्प्लीटली करेक्ट, सो दैट विल स्कोर यू फुल मार्क्स, एंड इवन इन कॉम्पिटिटिव दैट विल हेल्प यू अलॉट। सो जितने भी अब बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं, लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।